डिजिटल मैथमेटिक्स एंड अल्टीमेट का टॉपिक चला हमारा एपी का वीडियो नंबर 9। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वीडियो का पी पदों का जो खुल याद करो, एन मा पद दिया है 3n-1, पी पदों का योग याद करो। पी पदों का योग याद करना, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, सीरीज बना लेंगे। यहाँ से एन बराबर टी एन बराबर 3n-1 बराबर वन रखेंगे तो पहला पद आएगा 3 × 1-1, 3-1 = 2, एन बराबर 2 पे आएगा दूसरा पद 3 × 2-1 है 6-1 = 5। तो सीरीज 2, 5, 3 का अंतर है 8, इस प्रकार हो जाएगी ए बराबर 2, डी बराबर 3। पूछा है पी पदों का योगफल, पी पदों का योग फॉर्मूला होगा p/2 एंड 2a + p-1 × d। p/2 2a की जगह 2 है प्लस p-1 d की जगह 3 है, तो p/2 4 + 3p-3, p/2 यानी कि 3p+1, ये आ जाएगा पी पदों का योगफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इस वीडियो का। कुछ पदों का योगफल 136 दिया है, यानी कि Sn बराबर 136, उसका सार्वभौमिक d बराबर 4, अंतिम पद l बराबर 31, पदों की संख्या n फाइंड करना। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें हम फॉर्मेट लगाएंगे, एल का पहले ए निकालेंगे, एल बराबर ए प्लस n-1 × d, एन यहाँ पे भी मालूम नहीं है। ठीक है, एन का टर्म निकाल आएगा तो एस एन का फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा। एल का मान 31 है, ए का मान पता नहीं, एन भी पता नहीं और डी भी पता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर एस एन का ही फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a + n-1 × d, एल बराबर एल का फॉर्मूला लगा दे, ए मालूम नहीं है ना, समस्या यहाँ वाली ए भी मालूम नहीं है, और दो फॉर्मूले कहीं ना कहीं लगेंगे तो तब जाके क्वेश्चन होगा, इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन आया हुआ है। एस एन बराबर n/2a + l, क्योंकि एल का यूज भी करना है, एन का मान ही निकालना, 136 बराबर n/2, ए का मान पता नहीं है, एल का मान 31। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई इसका यूज होगा, तो 136 × 2 बराबर na + 31n, या एन को बाहर ही रहने देते हैं, हो सकता है कि एन का मान रखना पड़ जाए या ए का मान रखना पड़ जाए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, एल बराबर a + n-1 × d, 31 ए भी पता नहीं है, एन भी मालूम नहीं है, डी 4 है, तो ए को इक्वेशन यहाँ बनने वाली है a + 4n-4, 31 + 4 बराबर a + 4n, यानी कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप सॉल्व करने लगेंगे, अरे सॉल्व करते करते लगेगा ये हो नहीं रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको n निकालना है, तो ए का मान डायरेक्टली यहाँ से 35 − 4n समीकरण एक में रखने पर ए का मान पुट कर देंगे, तो 136 × 2 बराबर n, ए का मान है 35 − 4n प्लस का है 31। ठीक है, n ये 35 + 6 = 66 − 4n और 136 × 2, अंदर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 33 − 2n, 136 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे बनता है 136 बराबर n, 33 − 2n, 136 = 33n − 2n² इसको इधर ले लेते हैं, 2n² - 33n प्लस 136 = 0, 136 की गुणा 2, 2 से गुणा 2 = 12 का 2 × 2 = 6 = 7, 136 × 2 = 3 = 3300, 136 यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 × 12 = 2 = 16। ठीक है, इसे काटेंगे 2 से 34
और इसे काटेंगे दो गुना दो गुना दो गुना 17, दो दून चार दून आठ दून 16 और 17 सोलह 32 33, फिर 2n² माइनस का 16 + 17n + 136 बराबर 0। 2n² माइनस का 16n माइनस का 17n + 136 बराबर 0। ये n को हम निकालेंगे n माइनस का 8, 17 को हम निकालेंगे n माइनस का 8 बराबर 0। अब n माइनस 8 को हम निकालेंगे 2n माइनस का 17 बराबर 0। n माइनस 8 इक्वल टू 0, n बराबर 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आता रहा है और लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी या डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं होता है, इक्वेशन कहीं ना कहीं सेट करनी पड़ती है, वहीं पे छोड़ चले जाते हैं कि भाई नहीं होगा, तो ये कंपटीशन में बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन पदों का योगफल ज्ञात करो, आर वा पद दिया है, आर वा पद 3 2r - 1। एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, एन पदों का योगफल इसका फाइंड करना है। ठीक है, आर वा पद आर बराबर पद रखेंगे तो आएगा पहला पद 3 2 1 2 - 1 - 1 2 - 1 बराबर 1, आर बराबर 2 रखेंगे, दूसरा पद 2 - 2 - 1 4 - 1 3, यानी कि a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर 3 - 1 - 2। n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n बाई 2 एंड 2a + n - 1 d। ठीक है, n बाई 2, 2a का मान है 1 प्लस n माइनस 1, d का मान है 2। n बाई 2, 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल होंगे, n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n²। ठीक है, तो ये आ जाएगा n पदों का योगफल n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक सीरीज दिया है -8 - 6 - 4, कितने पद का योगफल 52 है, कितने पद का योगफल कितना है 52 है। तो मानेंगे, माना n पदों का योगफल 52 है, तो Sn बराबर n बाई 2, 2a + n - 1 d, तो 52 बराबर n बाई 2, 2, यहाँ पे a इक्वल टू -8 होगा एंड d इक्वल टू -6 - -8, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, a का मान -8 प्लस n - 1, d का मान 2, 52 बराबर n बाई 2, अंडर से 2 को मानेंगे -8 + n - 1, 2 से 2 कैंसिल, 52 बराबर n माइनस 8, n माइनस 1, n माइनस 9, 52, n² माइनस का 9n, 52 सॉल्व कर लेंगे, n² माइनस का 9n माइनस का 52 बराबर 0, 52 के टुकड़े, 13 चौका 52, 13 - 4 जिसका अंतर 9 हो, 13 - 4 52, 13 n² माइनस का 13n प्लस का n को मिले n माइनस का 13 प्लस का 4 को मिले n माइनस का 13 बराबर 0, n माइनस का 13 एंड n प्लस का 4 बराबर 0, तो n बराबर 13 इसका पॉजिटिवली आंसर आ जाएगा। ठीक है,